कृष्णा के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुकर में चिकन बनाना बताऊंगी, वो भी अपने स्टाइल से। ये चिकन मैं धो रखी हूँ, ये प्याज है, ये लहसुन है। ये देखिए दोस्त, ये तेल गर्म हो गया है। इसमें अभी मैं ये जीरा, मिर्ची और तेजपात, ये इसका तड़का लगाई हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने तरफ से इस तरह से बनानी है चिकन। तो ये एक स्पून जो है आपको, जो आपके पास बड़ा चम्मच हो उसे, दो स्पून जो है इसमें घी, इसके मैं मिला दूंगा। ये जीरा, मिर्ची, तेजपात और घी डाली थी जो पक गया है। ये लहसुन डाल देंगे, आपकी जितनी मर्जी हो उतना आप डालिए, इसमें कोई ये नहीं है। अभी इसमें प्याज डाल के इसको, ये देखिए इसमें प्याज डाल दिए, इसको अच्छी तरह से मिला के इसको पकने देते हैं। ये देखिए दोस्त, ये प्याज मेरा भूज गया है। ये समय बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं भूजती हूँ। अभी इसमें जो है मैं अभी चिकन डाल दूँगी। ये मैं चिकन डाल के इसको प्याज अच्छी तरह से मिला दी हूँ, आगे बनी रही। ये चिकन मेरा भूज गया है। अभी इसमें जो है मैं डालती हूँ अदरक, लहसुन, काली मिर्च और एक प्याज डाली थी, लाल मिर्च है, हल्दी है और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मसाला डाल के इसको मिला दी हूँ अच्छी तरह से। इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। अभी इसमें अभी नमक नहीं डालूंगी, नमक कब डालूंगी आपको मैं बताऊंगी, बने रहिए। थोड़ा आधा पक गया है चिकन, फिर इसमें स्वाद अनुसार जो है नमक। जैसे चिकन में अभी नहीं डालती हूँ मैं, खुद का गर्म मसाला बना हुआ डालती हूँ। आप अगर चिकन मसाला डालना चाहते हो तो जिसमें अदरक लहसुन का मैं डाली हूँ उस समय ही आपको जो है चिकन मसाला भी डाल देना है। फिर उसको ऐसे धीमी आँच पर अपने आप देखिएगा तेल जो है ऊपर, जैसे अभी थोड़ा छोड़ा फिर पूरा अपने आप ऊपर तेल छोड़ देगा। फ्रेंड, ये मैं दो टमाटर कटिंग की हूँ और ये हरा धनिया है। हरा धनिया तो अभी नहीं दूंगी, टमाटर में अभी इसमें डालूंगी पक जाने के बाद। थोड़ा देर इसको और टमाटर डाल के भी पकाऊंगी अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये मेरा टेस्टी चिकन बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें जो है धनिया दे के इसको एक मिनट और पकाऊंगी, फिर इसको गैस से नीचे उतार दूंगी। आप भी खाइए टेस्टी चिकन।